तो दोस्तों यहाँ इस समय मैं प्ले स्टोर में हूँ और यहाँ पे फ्रेंड्स एक दिक्कत आ रही थी मुझे। यहाँ पे कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं हो रही है। यहाँ मैंने किड्स गेम सर्च किया था, इसको यहाँ डाउनलोड करना चाहा था लेकिन ये गेम डाउनलोड नहीं हुआ। हो सकता है ये प्रॉब्लम आपके साथ भी आ जाए, आप भी प्ले स्टोर से कुछ भी ना डाउनलोड कर पा रहे हों। तो मैं दो सेटिंग यहाँ पे आपको बताऊंगा और उसके बाद आपकी जो भी प्रॉब्लम प्ले स्टोर से आ रही है वो ठीक हो जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखना, लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ दोस्तों मैं प्ले स्टोर में हूँ और यहाँ आपको दिख जाएगा प्ले स्टोर का इंटरफेस। यहाँ आपको सबसे पहले देख लेना है आपके मोबाइल में रैम कितनी है, यानी कि फ्रेंड्स आपके मोबाइल में 3 GB रैम है, 4 GB रैम है। तो मेरे इस वाले मोबाइल में 4 GB रैम है। तो सबसे पहले अपनी सेटिंग में जाके अपने मोबाइल की रैम को चेक कर लेना। अगर आपको नहीं आती है मोबाइल की रैम चेक करना तो मुझे एक कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा और आप भी अपने मोबाइल की रैम चेक कर पाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले आपको चले जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग में, कर लेनी है अपने मोबाइल की रैम यहाँ पे चेक कर लेनी है। तो चलिए एक बार मोबाइल की सेटिंग में चल के मैं बता देता हूँ मेरे मोबाइल की रैम कितनी बची है और कितनी है। तो दोस्तों मैं अपने मोबाइल की सेटिंग में आ गया हूँ और यहाँ आपको दिख रहा होगा 1.4 GB अवेलेबल और 2.3 GB यूज्ड, यानी कि मेरे मोबाइल की 4 GB मेमोरी जो रैम की है वो 2.3 GB यूज़ हो चुकी है, 1.4 GB यहाँ पे बची है। तो फ्रेंड्स आपको भी अपने मोबाइल में ऐसे ही सेटिंग में जाके रैम चेक कर लेनी है, कहीं आपके मोबाइल में 4 GB रैम हो और आपने 4 GB पूरी ही यूज़ कर ली हो तो कोई ऐप डाउनलोड नहीं होगा कहीं से भी। और उसके बाद फ्रेंड्स अपने मोबाइल को एक बार बैक कर देना है सेटिंग से और फिर एक बार सेटिंग में चले जाना है। और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको देख लेना है ऐप्स, और यहाँ पे सारे ऐप्स आ जाएंगे, जो भी आपके मोबाइल में ऐप्स होंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ढूंढ लेना है प्ले स्टोर को, यानी कि प्ले स्टोर भी एक ऐप है और उसको यहाँ ढूंढ लेना है। तो यहाँ ढूंढने के लिए फ्रेंड्स हमें थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा और यहाँ पे फ्रेंड्स हमें मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर। यहाँ पे एक बार क्लिक कर देंगे और यहाँ फ्रेंड्स क्लिक करने के बाद आपको स्टोरेज दिख जाएगा। स्टोरेज पे एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ से फ्रेंड्स आप सबसे पहले क्लियर कैच कर देंगे। क्लियर कैच करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से क्लियर डाटा कर देंगे और इसको क्लियर करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से भी आपको बैक कर देना है और अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है। और यहाँ पे फ्रेंड्स प्ले स्टोर ओपन हो रहा है और यहाँ प्ले स्टोर ओपन होने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि फ्रेंड्स हमने क्लियर कर दिया था अपने मोबाइल के डेटा को, यानी कि प्ले स्टोर के डेटा को यहाँ हमने क्लियर कर दिया था। तो यहाँ फ्रेंड्स आपको दोबारा से वेरीफाई करना पड़ेगा अपने अकाउंट को। तो चलिए मैं स्किप करता हूँ वीडियो को और वेरीफाई करने के बाद आपको दिखाता हूँ। अगर आपको ऐसी ही प्रॉब्लम आ रही है फ्रेंड्स तो जल्दी से आप जो जो मैंने सेटिंग बताई है आप पूरी कर लीजिए और डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में कोई भी ऐप। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है क्योंकि आपकी सारी दिक्कत इस सेटिंग से दूर हो जाएगी। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स थोड़ा टाइम तो लगेगा, अपडेट हो गई है हमारा गूगल प्ले जो स्टोर था वो अपडेट हो गया है, यानी कि ये बिल्कुल नया हो गया है। सारी इसकी मेमोरी वगैरह जो भर चुकी थी जिससे हमारे कोई भी गेम कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं हो रही थी वो पूरी तरीके से अब क्लियर हो चुकी है। अब दोबारा से यहाँ भरेगी तब फिर एक बार आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो यही था आज का वीडियो, आपने पूरा देखा, धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।